जो अस्थायी व्यक्ति है उनकी सर्वे कर रहा उन्होंने भी है। आपने जो गौशालाओं के बारे में जो फरमाया वो आप गौशाला मुझे मुझे लिखित में दे देना, मैं उनका लिखित में एग्जामिन कर लूंगा। नहीं, वहां आपको निवेदन कर दिया 61 गौशाला है जो गांव वाले चला रहे हैं, पिछले साल से उनको रूल्स रिलैक्सेशन करेंगे तब जाकर उनको अनुदान मिलेगा। ठीक से हम ठीक है सर आप, तो दे रहे हैं, बाकी को नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी प्लीज बात है। झुंझुनू की गौशाला है, मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में एक आदर्श गौशाला है वहां पर। एक बार मैंने भी देखी है वहां पर गौशाला है। दूसरा, एक वहां पर असहाय व्यक्तियों का एक सर्वे हुआ था पिछले सर्वे के, तो वहां पर 1,60,00,000 भिजवा दिए। अभी 53,000 लोग नए वहां पर सर्वे में आए हैं, जो नए व्यक्ति हैं उनको अभी तक जो 2,500 रुपए देते हैं वो पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से उनको दोबारा पैसा जाना चाहिए, उसके लिए वो बहुत जल्दी उसको जारी करना चाहिए। और दूसरी है कि वहां पर नरेगा के काम भी बहुत कम चल रहे हैं, इसलिए नरेगा के काम भी झुंझुनू में बढ़ाए जाने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वहां पर 5,000 व्यक्ति बाहर से आए हुए हैं, उनकी काफी सबको क्वारंटाइन किया गया है, सबको होम क्वारंटाइन में भेजा है, पूरी सतर्कता है, पूरी सावधानी है कलेक्टर और प्रशासन की तरफ से। वहां पर 28,000 लोगों ने वहां पर आने का आवेदन किया है झुंझुनू में, उसके लिए बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। बाकी झुंझुनू में सारा काम ठीक है, और मैं तो यही कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी आ जाए तो मैं लालकोट का डोसा का शुरू कर दूं। उससे पहले वहां पर सारी ये रिपोर्ट मैंने मुख्यमंत्री जी को 7 तारीख वाली वीसी की भिजवा दी है, उस वीसी की रिपोर्ट के बाद निश्चित रूप से इस पे पीने के पानी की अलसी सर बांध का, जो पीने के पानी का सबसे बड़ा बांध है वो 2014 से टूटा हुआ है, उसका काम बजट की घोषणा कर दी पर काम अभी तक उसका अलसी सर बांध का काम शुरू नहीं हुआ है। उस बांध से पूरे खेतरी तक का पानी सप्लाई होता है, पूरे जिले में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। 3-4 जगह तो वहां पर 48 घंटे में पानी मिलता है, बाकी 24 घंटे के पहले वहां पानी नहीं मिलता। माननीय सांसद जी ने, माननीय विधायकों ने मुख्यमंत्री जी को ये सब बातें बताई है। मैं आप सबको, अब दोसा की शुरू करूं, दोसा में आगे सीएम साहब आगे कि नहीं आए अभी? आगे ना, दिख रहे हैं ना सामने, दिख पा रहे हैं, दिख नहीं रहे? आप दो साल शुरू कर दूं सर, झुंझुनू की मैंने रिपोर्ट भेज दी है झुंझुनू काफी है। आपको मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत माइन्यूटली झुंझुनू को डिस्क्राइब किया है, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि आप इतना इंटरेस्ट लिया वहां पर, हर चीज आपको नॉलेज के अंदर। सर निवेदन, झुंझुनू का अलसी सर बांध 2014 में फ्लड में टूटा था, ये आप मैं सब सुन चुका हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ दूसरा की आप लोग क्या दूसरा करना, में दोसा में आपके निर्देश से दो बहुत मिनट में बात अच्छा। खत्म कीजिए, 2 मिनट में ही। हाँ 2 मिनट में कर दूंगा पूरी। दोसा में कलेक्टर और एसपी पूरा मेडिकल स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा है। 22 पॉजिटिव आए थे, 22 के 22 निगेटिव हो गए। दोसा में और लालकोट में दो जगह, लालकोट में मेरे 12 पॉजिटिव थे, सारे के सारे निगेटिव हो गए। कर्फ्यू लगा हुआ है, आज 21 दिन हो गए। वहां पर मंडियां चालू नहीं रही, मंडियों की चालू करने के लिए वहां पर खरीद भी गेहूं की, एमएसपी की खरीद, गेहूं सरसों चने की खरीद भी शुरू नहीं हुई। वैसे सरकार ने 4 सेंटर किए हैं, चारों अभी शुरुआत नहीं हुई, एमएसपी की शुरुआत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उनको निर्देश दे। दूसरा यह है कि वहां पर हमारे दौसा जिले में जयपुर की जो दुग्ध डेयरी है वो जयपुर डेयरी है, अभी आपके इस लॉकडाउन के पीरियड में दूध के भाव कम नहीं हुए पर दौसा और जयपुर में दूध के भाव 6.5 रुपए लीटर कम हुए हैं। आपकी सरकार बनते ही लोगों ने वाई वाई की थी कि इतने भाव बढ़ गए थे दूध के, लोग बारे न्यारे कर रहे थे, आपकी जय जयकार कर रहे थे। आज 6:30 बजे जब से वहां नया एमडी लगा जयपुर डेयरी में, तब से 6.5 रुपए लीटर कम दूध का भाव हो गया, जबकि आप 2 रुपए तो दूध का बोनस दे रहे हैं। जो इसकी एक जांच करवाए, उस एमडी के खिलाफ कार्रवाई करे, क्यों इतना भाव गिरा? आपके आते ही तो इतने भाव आसमान में चढ़ गए थे। दूसरा, एक जो एमएसपी की खरीद है उसको तेजी से कराई जावे, 21 दिन में सारी मंडियां हमारी खुल गई, केवल लालसोट की नहीं खुली। मेरी आपसे निवेदन है कि मंडी को शुरुआत करा के, वहां पर एक जो मंडियों में एक बड़ी रुकावट आ रही है, आप ठंडे दिन धन्यवाद, से बहुत विचार शुक्रिया करें, आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सारी मंडियां शुरू हो तब जाके किसानों की खरीद होगी। मेरा निवेदन है, आप खुद जादूगर हो, जादूगर भी आप करें, ये सारी मंडियां खुले, आप कोई भी निर्णय करें, हम सब आपके साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मुरारी मीणा जी,